नमस्कार दोस्तों, सुषमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कचालू। आपने ये पोएम तो सुनी होगी, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। तो आज हम आपको बताते हैं कि कचालू होता क्या है और बनता कैसे है। तो चलिए मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। मैंने बॉयल आलू लिए हुए हैं दो। ये आम की खटाई है, ये किसी भी किराने के स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी। मैंने इसको भिगो के रख लिया था 15 मिनट पहले। ये साबुत धनिया है, साबुत जीरा है, नमक है स्वाद अनुसार, और दो लाल साबुत लाल मिर्च है। तो अभी हम क्या करना है, हमें एक पैन लेना है और इसको गर्म करना है। हम पैन को गर्म कर लेंगे अच्छे से। देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम साबुत धनिया डालेंगे। मैंने एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया डाला है, एक बड़ा चम्मच जीरा डाला है, दो लाल मिर्च डाली है। इसको हम भून लेंगे और भून के हम इसको पीसेंगे। देखिए हमारे मसाले भून गए हैं। अब इसको हम सिलबट्टे पे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको अब हम सूखा पीसेंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, अभी गर्म है। देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम पीस लेते हैं, इसका एक फाइन मसाला बना लेंगे। देखिए मैंने इसको पीस लिया है। हमें एकदम थोड़ा सा दरदरा, बिल्कुल जरा सा दरदरा पीसना है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए अब इसी सिलबट्टे पे हम जो हमने आम की कली भिगोई थी उसको हम अब पीसेंगे। हमें सिर्फ दो आम की कली लेनी है। ये देखिए मैंने दो आम की कली ली है और हल्का सा नमक लेंगे हम। देखिए हल्का सा नमक लिया है और इसको भी हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसको भी पीस लेंगे हम। देखिए मैंने इसको पीस लिया है। हमें जो इसकी गुठली आएगी साथ में वो भी हमें पीस लेनी है। जो थोड़ी सी बच जाएगी वो भी हमें इसी में ही रखनी है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल जरा सा, और इसको एक स्पून की सहायता से मिला लेंगे अच्छे से और साइड में रख देंगे। अब एक हम पैन लेंगे, उसमें हमें जो हमारे बॉयल आलू हैं वो लेने हैं और हमें स्लाइस काट लेना है, जैसे हम आलू के लिए पकौड़े बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, वैसे काटते हैं। देखिए हमने आलू के स्लाइसेस काट लिए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने जो मसाला पीसा था वो मिलाना है। अच्छे से मिला लेंगे, नमक मिला लेंगे, और जो हमने खटाई पीसी थी वो भी मिला लेंगे हम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आलू इसमें मसाले में कोट हो जाएं। ये देखिए हमारे कचालू बनके तैयार हैं और इसको मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इस पे जो हमने मसाला पीसा था हल्का सा वो स्प्रिंकल कर लेंगे, धनिया पत्ता लगा देंगे डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा। देखिए देखिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये लो फैट है और आप इसको कभी भी खा सकते हैं।
ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है सेहत के लिए। तो आप इसको बनाइए और खाइए और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।